हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बताऊंगा कि जो है आज से जो है 31 मार्च से जो है आईपीएल शुरू होने वाला है और आप लोग इसे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं जियो सिनेमा पे, और वो कैसे। और अगर आपके पास एयरटेल है, वीआई है, कोई सा भी सिम है, उसके बावजूद भी आप लोग जियो सिनेमा में जो है आप लोग फ्री में आईपीएल देख सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मोबाइल के जो प्ले स्टोर है, मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर में जाकर जियो सिनेमा को जो है डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर अभी जो है ओमेन आईपीएल प्रीमियर लीग चल रहा है, वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज से आईपीएल शुरू होने वाला है, तो आप लोग कोई सा भी ऑपरेटर से वीआई हो, एयरटेल हो या फिर बीएसएनएल हो, तो भी जो है आप लोग जो है इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से फ्री में मुफ्त में जो है लाभ उठा सकते हैं, आईपीएल का फ्री में देख सकते हैं। तो गाइस, इसमें जो है आप लोग हाई क्वालिटी 4K क्वालिटी में देख सकते हैं आईपीएल को। अगर आप लोग इसे स्ट्रीम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो गाइस, इन्होंने बताया कि अगर आप लोग 4K क्वालिटी में स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप लोग को मिनिमम 25 GB डेटा चाहिए होगा। और अगर गाइस, अगर आप लोग मतलब 1080 में अगर आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोगों को मिनिमम 12 GB डेटा लगेगा, या फिर 360 में या फिर 480 में तो आप लोगों को मिनिमम 6 GB से 7 GB तक डेटा चाहिए होगा। और अगर आप लोग लो क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो भी जो है आप लोगों को 2 GB से लेकर 3 GB तक डेटा चाहिए होगा। तो गाइस, इसके लिए आप लोग जो अगर 5G डेटा यूज कर रहे हैं, 5G सिटीज से है, तो गाइस अगर आप लोग के पास मतलब अनलिमिटेड वाला प्लान है 239 के ऊपर, तो गाइस यहाँ पर आप लोग जो है अनलिमिटेड डेटा यूज कर सकते हैं, मतलब बिना मतलब कुछ किए बगैर ही। तो आप लोग जो है फ्री में बिल्कुल देख सकते हैं आईपीएल को, वो भी बहुत ही एचडी में, 4K क्वालिटी में, वो भी फ्री में, अगर आपके पास 239 का रिचार्ज है और अगर आप लोग 5G सिटीज से बिलोंग करते हैं जहां पर 5G आया है, तो गाइस वो उस तरीके में आप लोग फ्री में देख सकते हैं बहुत सारा MB को खर्च करके। अगर आप लोगों के शहर में मतलब 5G नहीं आया है तो उसके लिए जो है जियो ने जो है कम से कम रिचार्ज में जो है कुछ डेटा पैक्स निकाला है जो कि आप लोग एड ऑन कर सकते हैं, और 2-3-4 जो है रिचार्ज प्लान निकल चुका है जो सिर्फ जो है नेटपैक के लिए है, जो डेटा के लिए है। और अगर आप लोगों के पहले से ही मतलब वैलिडिटी है, उसके साथ डेटा एड ऑन करना चाहते हैं, उसके लिए भी जो है कुछ पैक जो है लॉन्च किया है। तो चलिए मैं आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर लेकर चला जाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पहला जो प्लान है वो जो है 219 रुपये का है, जो कि 14 दिन का वैलिडिटी है, और इसमें साथ इसमें आप लोगों को 44 GB डेटा मिलने वाला है, जो कि है पर डे के हिसाब से 3 GB करके है, और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग है, और 100 SMS पर डे है। और अगर आप लोग अगर 5G सिटीज से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को जो ये डेटा ख़त्म होने के बाद भी आप लोग जो है और भी डाटा मतलब एक्स्ट्रा डाटा यूज़ कर पाएंगे फ्री में। दूसरा जो प्लान है वो है 399 का, इसमें आप लोगों को 28 डेज़ का वैलिडिटी मिलेगा और साथ ही 90 GB का डेटा मिलेगा, जो कि है पर डे के हिसाब से 3 GB है, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग है, और 100 SMS डे है। और इसके बाद जो प्लान आता है 399 का, इसमें आप लोगों को 84 डेज़ का वैलिडिटी मिलेगा और इसके साथ आप लोगों को डेटा दिया जाएगा 292 GB का, जो कि 3 GB पर डे करके है, और अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 100 SMS दिया जाएगा। और उसके बाद आता है 222 का, ये जो प्लान है अगर आपके मोबाइल में पहले से ही कोई सा भी एक प्लान है उसमें अगर आप लोग डेटा एड ऑन करना चाहते हैं उसके लिए ये प्लान है, और इसमें आप लोगों को 50 GB डेटा दिया जाएगा। वो जो एक्टिव प्लान देख सकते हैं, यहाँ पर एक्टिव प्लान होना चाहिए तभी जाकर ये आप लोग एड ऑन कर सकते हैं आपके मोबाइल में। और एक प्लान आता है जो कि है 444, इसमें आप लोगों को 60 डेज का जो है मतलब वैलिडिटी मिलेगा और साथ ही साथ 100 GB का डेटा दिया जाएगा। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।